चलो यहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैं गड़बड़ हो गया यार, अभी ठीक करने के लिए आए हुए हैं, और अब तक हम ऐसा करते हैं कि जो थोड़ा बहुत मुझे आगे और थोड़ा कंप्लीट करना है उसकी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो आपको ऐप पर उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा रेंज की बात। अब उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर दूसरा हम लेते हैं कौन सा, हाइट, हाइट की बात। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू बोलो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें u और 2g तो सेम होगा, होगा कि नहीं। तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर होगा। चलो अब मैं एच वन बाई एच टू निकालू तो साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा टू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा वन को तो मैं थीटा लिखता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा टू को क्या लिखूँ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बने बने दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। ये सब ट्रिग्नोमेट्री हमने वहां यूज की थी ना, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन में, तो टेन में भी पढ़ा था। अब साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, यस। तो एच वन बाई एच टू क्या आया, टेन स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर H1 निकालना हो तो tan स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ H2 आए, मतलब पहला एंगल अगर छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा है तो बड़े एंगल पर हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। पहला बड़ा है दूसरा छोटा है तो हाइट कम हो जाएगी, तो हाइट तो डिफरेंट आती है, यहाँ देख भी रहे H1 by H2 बराबर नहीं है, कितनी आ रही है, H1 by H2 equal to tan स्क्वायर थीटा आ रही है, मतलब हाइट इनकी इक्वल नहीं आ रही, लेकिन रेंज क्या थी, इक्वल है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हाल होगा, चार्ड है, यस कॉट हो गया टेन को, एक बार चेक करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट सी इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर टू यू साइन थीटा बाय जी, ये तो कांस्टेंट है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, तो जब मैं T1 by T2 निकाल रहा होऊंगा, T1 by T2 कितना निकलेगा, sin theta 1 upon कितना, sin theta 2, तो यहां से अगर मैं निकालूं ये हो जाएगा T1 by T2 equal to sin theta upon sin कितना 90 minus theta, अब बोलो T1 by T2 sin theta upon साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, फिर से टेन, तो टी वन बाय टू टी कितना हो गया टेन, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हाइट भी बढ़ जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ जाएगा बड़े एंगल पर, लेकिन रेंज सेम रहेगी। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन होता है इसमें, और कई बार नीट और जेईई में पूछा भी गया है, और वो क्वेश्चन ये है, देखिए कि मान लीजिए वॉर चल रहा है, वॉर क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ऐसा नहीं कि जो है एक प्लान लेके गए वो फेल हो गया तो फिर
निपट के आ गए। उसके बाद क्या हुआ, मान लो एक क्वेश्चन आया कि वार प्लान बनाया कि हम एंगल अगर 30 डिग्री पर और 20 मीटर पर सेकंड से, या सपोज 18 मीटर पर सेकंड से अगर से कैनन फेंकेंगे, ठीक है, तो वो जहाँ पर वैनिनी है उसके कैनन गिरेगा और पता चलेगा कि इतनी मीटर की डिस्टेंस पर हमारा एनिमी है। तो ये हमने प्लान बना दिया, मेरा ध्यान से वो कितने मीटर पर है, तो हमने कैलकुलेशन लगा दी प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले से 30 डिग्री पर 30 डिग्री गिर गया। अब उसको तोप को लेकर पहुंचे वहां, बीच में क्या हो गया कि एक्चुअल ग्राउंड पर जब पहुंचे तो वो बड़ी ओवर हवर पूर्ण हवर ग्राउंड था और यहाँ बीच में ऐसी पहाड़ी आ गई और पहाड़ी के दूसरी तरफ वो दुश्मन था, प्लान के तो फेल हो गया, ये तो यार टकरा जाएगा। अब क्या करें, प्लान बी। अब क्या करो आप, 60 पर फेंको, रेंज बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ेगी क्या, नहीं, हाइट बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ी है, तो दूसरा प्लान हो गया। अब उसको आप फेंको कितने पर, 60 पर, ऐसा करने के क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगी लेकिन गिरेगा ये वही पर, तो ये प्लान हो गया। ये बात जेई या नीट में, जेई तब पहले एआई ट्रिपल के नाम से जानी जाती थी, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उसने रेडियन में दिया कि अगर एक कोई भी प्रोजेक्ट आए और उसको इतनी स्पीड से हम 5 बाय 6 एंगल पर फेंकते हैं, तो बाद में पता चला ग्राउंड पर भी वहाँ पर एक हिल आ जाती है रास्ते में, तो अब कितने एंगल पर फेंकना चाहिए जिससे कि वो एनिमी के टारगेट को हिट कर सके। तो अब 5/6 था, 5/6 30 डिग्री होता है, तो 90 में से माइनस कर लो इसको, मतलब 5/3। 5/6 कितना होता है, 5 की वैल्यू 180 होती है, तो 180/6 30 डिग्री हो गया, और 5 की वैल्यू 180 ऊपर से कितना हो गया 60 डिग्री, यानी 5/3 पर फेंकना चाहिए, ठीक है, स्पीड वही है, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, एक तो ये हो गया तीनों, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं, डायग्राम यही बनता, क्लास है वो रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास के बाद
ठीक है, तो यहाँ कितना वी बाई जीरो वी एक्स यू कॉस थीटा। क्वेश्चन है, ज्यादा रिलेटेड पॉइंट है कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन मैक्सिमम हाइट बिटवीन अ पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट एंड प्रोजेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जब चेंज निकालते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा भी, ठीक है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में चेंज होता है, एक्स में तो कोई चेंज होता है, तो एक्स का तो निकालना नहीं, ये किसमें निकलेगा, केवल वाई डायरेक्शन वी वाई डेल्टा वी वाई। तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वी वाई और इनिशियल कौन यू वाई, वाई डायरेक्शन में ही रहना है। वी वाई कितना जीरो, यू वाई कितना यू साइन थीटा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं, वाई डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, मॉर्निंग बताया था आपने, मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं करी। वाई डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, मॉर्निंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर वाले, जे एक्स को करता है आई, वाई को करता है जे, जेड को करता है के। तो यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, डेल्टा वी बाय वेक्टर मतलब डायरेक्शन वी, तो यू साइन थीटा जाएगा जे, जे कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप क्या बता रहा है कि वाई डायरेक्शन में, और माइनस जे कैप है तो उल्टा नेगेटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आया वेक्टर फॉर्म में यू साइन थीटा जे। तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं और केवल मैग्नीट्यूड पूछे, डेल्टा वी बाय का मैग्नीट्यूड, तो इसको ऐसे मॉड में बंद करो, मॉड में बंद करने करते हैं तो ये माइनस जे हटा देते हैं, माइनस जे तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो क्या बचा केवल यू साइन, तो यू साइन थीटा ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये डेल्टा वी बाय वेक्टर क्या हुआ, माइनस यू साइन थीटा जे कैप direction with direction with direction changing velocity in vector form, this is in vector form, और ये क्या हो गया magnitude, ठीक है, इसको note करो, note करो।